हाय गाइज एंड वेलकम टू मोटरहेड कार रिव्यूज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2021 टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना। जैसा कि आप लोग जानते हो, टाटा हैरियर में आपको डार्क एंड कैमो एडिशन मिलता है, उसी तरह टाटा ने यहाँ पर सफारी में ये एडवेंचर पर्सोना वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया, जो कि बेस्ड है ऑन द टॉप ऑफ द लाइन XZA प्लस वेरिएंट ऑफ द टाटा सफारी। ये एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है, यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलता है। एडवेंचर पर्सोना रेगुलर XZA प्लस वेरिएंट पे बेस होने की वजह से यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलते इन द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड द फीचर्स ऑफ द कार। एंड एडवेंचर पर्सोना में आपको एक सिंगल कलर ऑप्शन मिलता है, जो कि है ये, इसे टाटा ट्रॉपिकल मिस्ट बुलाती है। रेगुलर टाटा सफारी में आपको क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं, जो कि एडवेंचर पर्सोना में रिप्लेस किए गए बाय पियानो ब्लैक कलर, जो कि इस कलर को काफी अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड इस गाड़ी को एक स्पोर्टी टच देते हैं। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूँ ऑफ द टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना 2021। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हो, इस चैनल पे नए हो, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं ला सकूं आपके लिए लेटेस्ट एंड एक्सक्लूसिव कार रिव्यूज। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर डेली अपडेट्स। सब्सक्राइब करिए मोटरहेड कार रिव्यूज चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आप देख सको लेटेस्ट एंड एक्सक्लूसिव कार रिव्यूज। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। तो शुरू करते हैं टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना की फ्रंट प्रोफाइल से। ये गाड़ी आपको काफी सिमिलर लगेगी टू द हैरियर बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द हैरियर। आप इसे 6 या 7 सीटर वर्जन भी कह सकते हो ऑफ द हैरियर। यहाँ पर टाटा ने कुछ माइनर चेंजेस किए टू डिफरेंशिएट द टाटा सफारी फ्रॉम द टाटा हैरियर। तो अगर ग्रिल की बात करें, सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है एंड इसकी जो ग्रिल है ये डिफरेंट है फ्रॉम द हैरियर एज वेल एज द रेगुलर वर्जन ऑफ द सफारी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्रोम रिप्लेस किया गया है विद पियानो ब्लैक एलिमेंट। इसकी जो ये सिग्नेचर ट्रायर और ग्रिल है, इसमें आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स मिलते हैं। ग्रिल के ऊपर ही आपको सफारी का मैस्कॉट मिल जाता है, विच इज ऑल्सो फिनिश्ड इन द पियानो ब्लैक कलर, विच स्ट्रेट अवे टेल्स दैट दिस इज एन सफारी नॉट एन हैरियर। और अगर हेडलाइट्स की बात करें, ऊपर आपको आपकी डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है विच डेवलप्स एज अ LED इंडिकेटर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और DRL के नीचे ही आपको आपका मेन हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। गाइज माइंड यू, इस गाड़ी में जो है मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, ये जो आपका हाई बीम है एज वेल एज आपकी फॉग लाइट है, ये दोनों के बल्ब्स रिप्लेस किए गए हैं विथ LED लाइट्स। ये व्हाइट लाइट्स है, यूजुअली आपको येल्लो हैलोजन लाइट्स मिल जाएंगे। तो ये आपका मेन लो बीम होता है, जो कंपनी की तरफ से ही आपको HID प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलता है। एंड यहाँ पर आपको एक येलो हैलोजन लाइट मिलती है विच वर्क्स एज योर हाई बीम। एंड नीचे आपको एक फॉग लाइट मिलता है, जिसमें आपको कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन भी दिया गया है। और फ्रंट में ग्रिल के नीचे ही आपको दो एयर वेंट्स मिलते हैं फॉर द बेटर वेंटिलेशन ऑफ योर रेडिएटर। एंड यू कैन सी दिस इज अ वेरी फैंसी नंबर। मुझे यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की कमी लगती है। मुझे लगता है कि टाटा ने यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देने चाहिए थे। ऑल्दो यहाँ पर आपको टाटा की ऑफिशियल एक्सेसरी लिस्ट में वो ऑप्शन मिल जाता है, बट आई फील दैट एट दिस प्राइस पॉइंट एंड इसके राइवल्स, क्योंकि वो फीचर ऑफर कर रहे हैं, टाटा ने यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देने चाहिए थे। और नंबर प्लेट के हाउसिंग के नीचे पर आपको ये स्किड प्लेट मिलती है, जो कि आपको रेगुलर सफारी में सिल्वर कलर में मिल जाएगी, बट इस एडवेंचर पर्सोना वेरियंट में ये आपको चारकोल कलर में फिनिश की गई है। और अभी चलते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। कुछ ऐसी दिखती है टाटा सफारी फ्रॉम द साइड एंड आप साइड से तुरंत पहचान लोगे कि दिस इज एन सफारी एंड नॉट एन हैरियर जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेंथ। यहाँ पर आपको एक बड़ी थर्ड क्वार्टर ग्लास मिल जाती है एज वेल एज अ स्टेप अप रूफ, जो कि इस गाड़ी को हैरियर से अलग बनाता है। तो बढ़ते हैं इस गाड़ी के टायर्स की तरफ। 18 इंच के अलॉयज मिलते हैं, चारकोल ग्रे कलर में ये अलॉयज मिलते हैं। इनका डिजाइन सेम है एज द रेगुलर सफारी, द ओनली चेंज इज इन द कलर। एंड हैरियर में आपको फ्रंट एंड रेयर डिस्क नहीं मिलती है, बट सफारी में वो एडिशन हो चुकी है। यहाँ पर आपको फ्रंट एज वेल एज रेयर में भी डिस्क मिलती है, जो कि इस गाड़ी के स्टॉपिंग पावर को काफ़ी एनहांस करते हैं। एंड ये जो एलॉयज है, ये इस गाड़ी के ओवरऑल थीम के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हैं एंड इस गाड़ी को एक काफ़ी स्पोर्टी स्टांस देते हैं। टायर्स के ऊपर ही आपको ये क्लैडिंग मिल जाती है विच रन्स थ्रू आउट दिस कार। एंड आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स भी आपको कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक कलर में फिनिश किए गए विथ एन LED टर्न इंडिकेटर ऑन इट। और अगर आप डोर हैंडल्स भी देखोगे, रेगुलर सफारी में आपको क्रोम एलिमेंट मिलता है ऑन द डोर हैंडल्स, बट एडवेंचर पर्सोना में वो चीज़ रिप्लेस की गई है विद दिस पियानो ब्लैक एलिमेंट। एंड आपको रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड मिलता है, ड्राइवर साइड एज वेल एज द को ड्राइवर साइड, विच इज़ रियली एन नाइस एंड कन्वीनियंट टच। और अगर इस गाड़ी के की फॉब की बात करें, और कुछ हैरियर की तरह ही सिमिलर की फॉब आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक लाइट्स ऑन एंड बूट रिलीज का बटन मिलता है। ऑल्दो आई थिंक यहाँ पर इसकी फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी थोड़ी और अच्छी कर सकता है टाटा। और जैसे ही आप इस गाड़ी के रूफ की तरफ देखते हो, यहाँ पर आपको रूफ रेल्स मिलते हैं। लोअर वेरियंट्स में आपको फंक्शनल रूफ रेल्स मिलते हैं, इस वेरियंट में फंक्शनल नहीं है क्योंकि आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है।
जैसे ही आप इस गाड़ी के सी पिलर तक आते हो, आपको यहाँ पर ये स्टेप अप रूफ मिलती है। रूफ रेल्स में आपको सफारी की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, विच इज़ सिमिलर टू द ओल्ड सफारी। आपको पहले वाली सफारी में भी ये स्टेप अप रूफ मिलता था एंड टाटा ने वो इस नए सफारी में भी बरकरार रखी, विच इज़ रियली अ नाइस टच। एंड सफारी में आपको 50 लीटर्स का डीजल टैंक मिलता है। सफारी आपको बस डीजल वेरियंट में अवेलेबल है, नॉट इन पेट्रोल। तो अभी बढ़ते हैं इस गाड़ी की रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो रेयर से भी आप इस गाड़ी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम द हैरियर। हैरियर थोड़ी सी राउंड शेप में मिलती है, वेयर एज दिस कार इज इन अ मोर स्क्वेरी बॉक्सी शेप। और इस गाड़ी को थोड़ी सी हाइट दी गई है। टेल लाइट्स भी यहाँ पर थोड़े से चेंजेस के साथ मिलते हैं आपको। मेन लाइट जो है वो LED में मिलेगी, हैलोजन इंडिकेटर एंड हैलोजन रिवर्स लाइट। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है एंड अ पियानो ब्लैक एलिमेंट अराउंड इट। टाटा के लोगो के नीचे ही रिवर्स कैमरा मिल जाता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर मिनिमल बैजिंग है, यहाँ पर बस आपको आगे की तरह सफारी की ब्रांडिंग मिल जाती है, विच इज़ फिनिश्ड इन पियानो ब्लैक। और रेयर बम्पर की बात करें तो ये भी हैरियर से अलग है, एज वेल एज रेगुलर सफारी से भी अलग है। यहाँ पर आपको ब्लैक एलिमेंट मिलता है ऑन द लोअर हाफ ऑफ द बम्पर। रेयर में आपको दोनों साइड दो फॉग लाइट्स मिलते हैं एंड अगर आप लोअर हाफ की तरफ देखोगे डुअल मफलर ट्रीटमेंट दी गई है। ऑल दो ये एग्जॉस्ट वेंट है, ये फेक है, दोनों भी एग्जॉस्ट वेंट फेक है। ये बस इस गाड़ी को रेयर से थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये ट्रीटमेंट दी गई है। एंड इवन द रेयर स्किड प्लेट चारकोल ब्लैक में फिनिश की गई है। और इस गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पर नीचे है। रेयर बम्पर पर आपको दो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड लोगों के ऊपर ही रेयर विंडो पर एयर वाइपर मिल जाएगा विथ वॉशर फ्लूइड एंड अ स्पॉयलर विथ एन हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और एक शार्क फिन एंटीना। अभी चलते हैं इस गाड़ी के बूट की तरफ। इसका जो बूट लैच है वो इसके लोगों के नीचे है एंड जो बूट है ये काफ़ी हैवी है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर टेलगेट नहीं मिलता है, आपको इसे मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि टाटा ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट देना चाहिए था जो कि काफ़ी कन्वीनियंट बन जाता। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो विथ ऑल द थ्री रोज अप आपको इतना बूट स्पेस मिलेगा विच इज़ जस्ट अबाउट 73 लीटर्स। यहाँ पर आप बड़े बैग्स नहीं रख सकते हो बट आपकी जो छोटी डफल बैग्स वगैरह है वो यहाँ पर फिट आ सकती है। एंड यहाँ से आप इस थर्ड रो को फ्लैट फोल्ड कर सकते हो विच इज़ एन वन टच प्रोसेस। अगर आप इस थर्ड रो को फ्लैट फोल्ड कर देते हो तो यू गेट अराउंड 750 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जो कि काफ़ी अच्छी है। बट आपकी गाड़ी 4 सीटर बन जाएगी क्योंकि ये 6 सीटर वेरियंट है। इसमें आपको जो सेकेंड रो है वो कैप्टन सीट्स मिलता है और अगर आपको इन सीट्स को वापस ऊपर लेना है यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप दिया गया है, यू हैव टू जस्ट पुल इट एंड इतने आसानी से बैक टू नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ पर आपको JBL का सबवूफर मिल जाता है विद JBL ब्रांडिंग। तो अभी हम बढ़ते हैं इस गाड़ी की रेयर सीट्स की तरफ इन द सेकेंड रो। तो ये है टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना का रेयर डोर। यहाँ पर आपको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल जाती है इन द इंटीरियर। द इंटीरियर्स आर बेज जिसे टाटा अर्दी ब्राउन कलर बुलाती है विद ब्लैक। ये कलर इस गाड़ी के ओवरऑल एक्सटीरियर शेड के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मैच करता है बट आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक लाइट कलर है, ये डस्ट और दाग धब्बों को काफ़ी इजीली कैच करेगा। एंड यहाँ पर आपको ऊपर एक JBL का ट्विटर मिल जाएगा एज वेल एज अ JBL स्पीकर ऑन द लोअर हाफ ऑफ द डोर। और ये इस गाड़ी का ग्रैब हैंडल विद परफोरेशन। ग्रैब हैंडल के अराउंड पियानो ब्लैक एलिमेंट मिल जाएगा विच रियली लुक्स नाइस एंड अ डोर हैंडल जो कि आपको डार्क क्रोम कलर में फिनिश किया गया है विद लॉक एंड अनलॉक स्विच, पावर विंडो के कंट्रोल्स। और नीचे यहाँ पर आपको डबल स्टोरेज मिलती है, ऊपर आप आपका फोन वगैरह रख सकते हो और नीचे एक 1 लीटर बॉटल एज वेल एज सम स्टोरेज स्पेस टू कीप योर निकनैक्स। और अगर आप डोर के लोअर हाफ की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक वार्निंग लाइट मिल जाती है विच टेल्स द ऑनकमिंग ट्रैफिक कि इस सफारी का डोर खुला है। ये काफ़ी अच्छा टच लगा मुझे कंसिडरिंग योर सेफ्टी। एंड जैसा कि मैंने आप लोग को कहा कि ये एक 6 सीटर वेरियंट है, यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल है। एंड यहाँ पर आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो एंड बीच में आपको कुछ स्पेस मिलती है टू एक्सेस द थर्ड रो ऑफ दिस कार। और ये जो सीट्स है आप इन्हें आगे पीछे भी कर सकते हो एंड कुछ ऐसा मैकेनिज्म है इसका टू गेट इन टू द थर्ड रो। मुझे लगता है कि जो ये एरिया है ये काफ़ी कम है, लाइक फुल साइज एडल्ट्स अगर आप 6 फीट एंड अबव हो या फिर आप थोड़े हेल्दी हो तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ से अंदर घुस पाओगे एंड यू हैव टू बी केयरफुल वाइल गेटिंग इन एंड गेटिंग आउट। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट सूटेड फॉर किड्स। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अभी मैं इस गाड़ी के थर्ड रो में आ चुका हूँ एंड मैंने ये जो सीट है सेकेंड रो की वो थोड़ी सी आगे ले ली है और आप ये देख सकते हो कि मुझे इतना नी रूम मिल रहा है विच आई विल से इज जस्ट अबाउट एडिक्वेट। और अगर हेडरूम की भी बात करें तो मेरा जो सर है ये ऑलमोस्ट टकरा रहा है टू द रूफ क्योंकि आप ये देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ ये कर्व शेप दिया गया है। ऑल्दो यहाँ पर सॉफ्ट पैडिंग दी गई है बट यहाँ पर आप दो लोग बिठा सकते हो आराम से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अगर आप एवरेज साइज के एडल्ट हो तो यू कैन सिट टू पीपल एट द रेयर फॉर शॉर्ट जर्नीज। यहाँ पर आपको एक AC वेंट भी दिया गया है एज वेल एज वो क्वार्टर ग्लास ब्लोअर कंट्रोल्स मिलते हैं टू एडजस्ट द फैन स्पीड
कप होल्डर्स एंड सम स्टोरेज स्पेस टू कीप योर निकनैक्स। लेफ्ट साइड में आपको दो USB चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं विच सपोर्ट्स फास्ट चार्जिंग एंड एक कप होल्डर एज वेल एज स्टोरेज स्पेस टू कीप योर निकनैक्स। लेफ्ट साइड में भी आपको एक AC वेंट मिल जाएगा, बट मुझे लगता है कि ये जगह अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" या फिर 5'6" है तो आप यहाँ पर बैठ सकते हो। जगह बेस्ट सूटेड है फॉर किड्स एंड आप यहाँ से भी निकल सकते हो बाहर, कुछ ऐसा दिखता है पैनोरमिक सनरूफ फ्रॉम द 3rd रो। और यहाँ पर आपको व्हाइट लाइट्स दिए गए और जैसे ही आप इस गाड़ी के रेयर सीट्स में आ जाओगे तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। ये आगे वाली जो सीट है ये एडजस्ट की गई है फॉर समवन ऑफ एवरेज हाइट एंड जो 2nd रो की सीट है ये ऑल द वे ऐड पुश की गई है, तो आप ये देख सकते हो ये आपका मिनिमम नी रूम है। एंड जो को ड्राइवर सीट है ये मैंने ऑल द वे ऐड पुश कर दी है और यहाँ पर आपको एक बॉस मोड का बटन मिलता है जिससे आप अगर आपके पास कोई को पैसेंजर नहीं है एंड यू आर बीइंग ड्रिवन बाय योर शोफर तो आप इसे आगे पुश कर सकते हो एंड आपको इतना मैक्सिमम नी रूम मिलेगा जो कि काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। एंड मैं यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबली बैठ चुका हूँ इन द 2nd रो ऑफ द टाटा सफारी और इसका जो रिक्लाइन एंगल वगैरह भी है ये काफ़ी बेहतरीन है। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है इवन दो दिस कार हैज़ एन पैनोरमिक सनरूफ। यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर भी मिल जाएगा। एंड अगर इस गाड़ी की 2nd रो की सीट्स की कंफर्ट की बात करें तो ये सीट्स काफ़ी बेहतरीन है और आप इसके रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हो अगर आपके पास 3rd रो पैसेंजर्स नहीं है। आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 6-सीटर वेरियंट अगर आपके पास ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं है एंड यू ऑलवेज ट्रेवल विथ 4 पीपल तो आपके रेयर पैसेंजर्स काफ़ी कम्फर्ट में रहेंगे इन दिस रेयर सीट्स। और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो कि एडजस्टेबल है एज वेल एज अ हेडरेस्ट जो कि एडजस्टेबल है एंड यू गेट दिस बिग पैनोरामिक सनरूफ। और लेफ्ट साइड में आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है विथ एन कोट हुक। राइट साइड में भी आपको सेम चीज़ मिलती है एंड LED रीडिंग लैम्प। एयरबैग की ब्रांडिंग मिल जाती है क्योंकि ये गाड़ी इक्विप्ड है विथ 6 एयरबैग्स। और ड्राइवर सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है टू कीप योर फोन एंड आप ये देख सकते हो यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं जो कि मुझे लगता है अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। इस डिज़ाइन के नीचे ये छुप जाते हैं एंड इनको एक्सेस करना काफ़ी हार्ड है, यू हैव टू बेंड अ लॉट। और इसके जो AC वेंट्स है वो यहाँ पर है जस्ट लाइक द हैरियर और कुछ ऐसा आपको दिखेगा इस गाड़ी का डैश फ्रॉम द रेयर। और बढ़ते हैं अभी इस गाड़ी के फ्रंट ड्राइवर सीट्स में तो कुछ ऐसा आपको मिलता है टाटा सफारी का फ्रंट डोर। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, पियानो ब्लैक एलिमेंट, डार्क क्रोम फिनिश डोर हैंडल विथ लॉक एंड अनलॉक स्विच। ड्राइवर साइड जो विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन है एंड ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल एंड ये पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच एंड नीचे 1 लीटर बॉटल स्टोरेज स्पेस एज वेल एज अ सेकेंडरी बॉटल स्टोरेज स्पेस एंड अम्ब्रेला होल्डर। एंड यहाँ पर आपको इस गाड़ी के आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स को कंट्रोल करने का टॉगल स्विच मिलता है, यहाँ से आप इन्हें ऑटो फोल्ड भी कर सकते हो अंदर की तरफ से। एंड अ JBL स्पीकर ऑन द फ्रंट डोर एंड फ्रंट डोर पे भी आपको ये वार्निंग लाइट मिल जाती है। और अगर इसकी फ्रंट सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो आपको ये लेदर मटेरियल में ये अर्दी ब्राउन फ्रंट सीट्स मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, एयरबैग की ब्रांडिंग एंड आप ये देख सकते हो यहाँ पर आपको परफोरेशन दिया गया है एज वेल एज दिस कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक स्टिचिंग जो कि इस गाड़ी के ओवरऑल थीम के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से मैच करता है। एंड जो ड्राइवर साइड सीट है ये इलेक्ट्रिक एडजस्ट के साथ आती है 8-way एडजस्ट। यहाँ पर आपको लंबर सपोर्ट भी दिया गया है बट उसे आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि लंबर सपोर्ट इलेक्ट्रिक देना चाहिए था। यहाँ से आप इस सीट के रिक्लाइन को सेट कर सकते हो एंड यहाँ से सीट को आगे पीछे ले सकते हो इलेक्ट्रिकली एंड ये गाड़ी एक ऑटोमेटिक है इसलिए यहाँ पर आपको बस ब्रेक एंड एक्सीलेटर पेडल मिल जाएगा। और ड्राइवर के राइट साइड में ये डार्क क्रोम फिनिश में AC वेंट मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और अभी बढ़ते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ड्राइवर सीट्स में। सो गाइज अब मैं आ चुका हूँ इन द फ्रंट ड्राइवर सीट ऑफ द टाटा सफारी एडवेंचर बसोना एंड ये काफ़ी सिमिलर लगेगा आपको टू द हैरियर एज वेल एज द रेगुलर सफारी, बट यहाँ पर जो मेजर चेंज है वो है इसके डैशबोर्ड में। रेगुलर सफारी में आपको यहाँ पर 2-tone स्कीम मिल जाती है, इसमें आपको ऑल ब्लैक थीम मिल जाएगी एंड इसकी जो ये ह्यूमैनिटी लाइन है ये ग्लॉसी ब्लैक में आपको मिल जाती है विच रियली लुक्स नाइस। एंड इसका जो इंटीरियर है ये रेगुलर सफारी या फिर हैरियर से काफ़ी प्रीमियम फील करता है। और अगर मटेरियल क्वालिटी की बात करें ऊपर आपको सॉफ्ट टच नापा लेदर मिल जाएगा विच इज़ एंटी रिफ्लेक्टिव एंड यहाँ पर आपको एशवुड वुड ट्रीटमेंट मिल जाती है विच इज़ फेक, ये रियल वुड नहीं है बट ये ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी लगती है। स्टीयरिंग इज सेम टू द हैरियर एज वेल एज द रेगुलर सफारी, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए गए, इट्स जस्ट द सेम एंड दिस इज एन 3-spoke यूनिट। यहाँ पर आपको कुछ ग्लॉसी ट्रीटमेंट मिल जाती है एंड ये लेदर रैपिंग के साथ आता है। काफ़ी चंकी 2-hole स्टेयरिंग व्हील है, सेंटर में आपको टाटा का लोगो को मिलेगा, लेफ्ट साइड में ऑडियो कंट्रोल फॉर दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड राइट साइड में क्रूज कंट्रोल एंड इस MID स्क्रीन को टॉगल करने का स्विच। और कुछ ऐसा इस गाड़ी का हॉर्न, नाउ दिस हॉर्न इज एन आफ्टर मार्केट वन। और अगर इसके एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन दिया गया है
विच इज़ रियली नाइस। ये आपको आपकी परफेक्ट ड्राइविंग पोजिशन सेट करने में काफ़ी मदद करता है। एंड इसका जो आगे वाला ट्विटर है वो यहाँ पर है विथ जेबिल ब्रांडिंग। एंड स्टेयरिंग व्हील के पीछे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर फ्रंट एंड रेयर। स्टेयरिंग के राइट साइड में हेडलाइट कंट्रोल मिलता है। इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट का फंक्शन भी मिलता है। और अगर इसके स्पीडोमीटर की बात करें इट इज़ वेरी सिमिलर टू द हैरियर। लेफ्ट साइड में आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है एंड राइट साइड में एक एनालॉग स्पीडोमीटर। 220 इसकी टॉप स्पीड है एंड ये गाड़ी ऑटोमेटिक है स्लिप पी। यहाँ पर आपको कई ड्राइविंग मोड्स आते हैं सिटी स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमी। और सेंटर में आपको एक MID स्क्रीन मिलती है विच इज़ ऑल्सो डिजिटल जो कि आपको वेरियस इन्फो शो करेगी। पावर एंड टॉर्क टायर प्रेशर मॉनिटर एंड डिस्टेंस टू MT इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप ए ट्रिप बी ऐसे कुछ वेरियस फीचर्स आपको इस MID स्क्रीन में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका DEF गॉज है इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एवरी 10,000 किलोमीटर्स यू हैव टू रिफ्यूल इट। ये जो स्क्रीन है ये एक 8.8 इंच की टच स्क्रीन है विच इज़ सिमिलर टू द हैरियर। मुझे लगता है कि यहाँ पर टाटा ने थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए था एज आई हैव सेड इन द हैरियर्स वीडियो ऑल्सो कि ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो सकती है। आप ये देख सकते हो इसके बेजल जो है ये काफ़ी बड़े हैं एंड एक्चुअल डिस्प्ले काफ़ी छोटा है। और अगर इसके रिवर्स कैमरा की बात करें तो कुछ इस तरीके का रिवर्स कैमरा आपको मिलता है विथ अडेप्टिव गाइडलाइंस विच इज़ रियली नाइस टच। एंड यहाँ पर आपको वाइड जूम एंड नॉर्मल ऐसे तीन ऑप्शंस है। बट मुझे लगता है कि टाटा ने एट दिस प्राइस पॉइंट शुड हैव गिवन 360 डिग्री कैमरा क्योंकि ये गाड़ी अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ी है। 360 डिग्री कैमरा इज एन ऑलवेज वेलकम इन दिस कार। यहाँ पर आपको एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो देन फोन मिरर लिंक वॉइस कमांड जैसे वेरियस फीचर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको थीम्स वगैरह भी मिलते हैं जिससे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड द स्पीडोमीटर जो कि सब सेम है। यहाँ से आप क्लाइमेट कंट्रोल को वगैरह भी कंट्रोल कर पाओगे। और स्क्रीन के नीचे ही आपको फिजिकल कंट्रोल्स मिलते हैं टू टॉगल थ्रू दिस स्क्रीन विच इज़ रियल एंड नाइस टच। आप नज़र नहीं हटानी पड़ेगी वाइल ड्राइविंग। यू हैव टू जस्ट प्रेस द बटन एंड इट विल टेक यू टू दैट कमांड। नीचे AC वेंट्स मिलते हैं को ड्राइवर साइड एंड ड्राइवर साइड। आपको कुछ इस तरह का AC वेंट मिलेगा विच इज़ फिनिश्ड इन डार्क क्रोम। एंड रेगुलर सफारी के वेरियंट में आपको यहाँ पर क्रोम एलिमेंट मिलेगा अराउंड दिस स्क्रीन एंड दिस AC वेंट्स। यहाँ पर आपको ऑल पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है विच रियली लुक्स नाइस। एंड यहाँ पर फ्रंट एंड रेयर फॉग लाइट के कंट्रोल्स हैजर्ड लाइट स्विच एंड इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड एंड स्पोर्ट्स मोड स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। आप ये देख सकते हो वॉइस कमांड आ जाती है जो कि काफी लाउड है। एंड यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है टू टेल यू यू आर इन एग्जैक्ट विच मोड। एंड उसी के नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। एंड नीचे दो ग्रैब हैंडल मिलते हैं विथ परफोरेशन एंड द एग्जैक्ट सेम कलर एज योर सीट्स। एंड यहाँ पर आपको फोन के लिए स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी एंड USB एंड ऑक्सिन पोर्ट। एंड यहाँ पर आपको इसके ट्रैक्शन कंट्रोल के मोड्स मिलते हैं। इस गाड़ी में आपको रफ रोड मोड एक्टिवेटेड रफ रोड सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड सिटी मोड वेट मोड एक्टिवेटेड एंड वेट मोड ऐसे तीन मोड्स मिलते हैं। उसका डिस्प्ले आपको इस स्पीडोमीटर में भी मिल जाता है रोड मोड एक्टिवेटेड जैसे ही आप इस स्विच को टॉगल करोगे। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का भी स्विच मिलता है ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। एंड उसी तरह आपको MID स्क्रीन पे उसका डिस्प्ले मिल जाएगा एंड एज वेल एज ए हिल डिसेंट कंट्रोल। और ये इस गाड़ी का 6-speed ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। ये गाड़ी एक ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो ट्रायर फिनिश ऑन द गियर बॉक्स एंड ये लेदर में रैप किया गया है। एंड ये जो सारी जगह है ये आपको पियानो ब्लैक में मिल जाती है विथ डार्क क्रोम इनलेज इन इट विच रियली लुक्स प्रीमियम एंड नाइस। और यहाँ पर जो मेन बदलाव है वो है ये कि यहाँ पर आपको जो एयरक्राफ्ट स्टाइल हैंडब्रेक लीवर मिलता है इट्स गॉन नाउ। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा। आपको बस इसे ऊपर प्रेस करना है और एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट हो जाता है विथ ऑटो होल्ड फंक्शन जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड ये हैरियर में भी जल्द से जल्द आना चाहिए। एंड ये जो आर्मरेस्ट है ये लेदर में रैप किया गया है विद द सेम ट्रीटमेंट एज योर सीट्स बट ये एडजस्टेबल नहीं है। कुछ इस तरीके का स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस है एज वेल एज यहाँ पर आपको कूलिंग का ऑप्शन दिया गया है एंड 2 फास्ट USB चार्जिंग सॉकेट्स। और अगर इसके ग्लो बॉक्स की बात करें तो ये डैम्प्ड इफेक्ट के साथ खुलता है एंड यहाँ पर आपको लाइट दी गई है एज वेल एज अ कंपार्टमेंट टू कीप योर लैपटॉप। एंड ये काफ़ी बड़ा ग्लो बॉक्स है। और ऊपर की तरफ आपको एक ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ का स्पीकर मिल जाएगा एंड लाइट्स इंटीरियर कैबिन लाइट्स जो कि LEDs है। एंड ये इस गाड़ी का मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड बटन्स दिए गए टू क्लोज द ब्लाइंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। अगर आप इसे प्रेस करते हो इट्स एन वन टच ऑपरेशन ओनली ब्लाइंड्स। एंड अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो ये सनरूफ टिल्ट हो जाएगा। एंड अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो ये सनरूफ पूरा खुल जाएगा। और आप ये देख सकते हो इसकी जो ओपनिंग है ये काफ़ी वाइड एंड काफ़ी बड़ी है। एंड ये स्मार्ट सनरूफ है। अगर इसने रेन या फिर पानी डिटेक्ट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा।
एंड अगर आप इस गाड़ी से बाहर उतर जाते हो और आप भूल जाते हो कि आपका सनरूफ खुला है तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा जस्ट लाइक द हैरियर, विच इज रियली नाइस टच। सनवाइजर्स की बात करें तो को ड्राइवर साइड आपको लाइट के साथ मिरर भी मिल जाता है एंड ड्राइवर साइड आपको कुछ नहीं मिलता है, यू जस्ट गेट अ प्लेन सनवाइजर। सो गाइज कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा फ्रॉम द फ्रंट सीट्स ऑफ द टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना। और अगर इस गाड़ी की सेफ्टी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट एंड सम ईएसपी मोड्स विद 6 एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी और बाकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। और अभी चलते हैं इस गाड़ी के इंजन बे की तरफ, तो आप ये देख सकते हो दिस इज द 170 पीएस क्रायोटेक डीजल इंजन विच इज सेम एज द हैरियर जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 170 पीएस पावर एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी डीजल है इसलिए यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाएगा, नो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स। मुझे लगता है कि टाटा ने यहाँ पर हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देने चाहिए थे बिकॉज द बॉनेट इज वेरी हैवी, इंजन इज नॉइजी, अंदर भी आपको थोड़ा सा आवाज आता है, द एनवीएच लेवल्स आर जस्ट अबाउट डिसेंट। सो गाइज ये था मेरा रिव्यू ऑन द 2021 टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।